हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि हमारी पूजा को आपने देखा है, सुषमा, ये सुषमा है, दो बहन है हमारी मोढेरा में और दो बहन है हम मोढेरा में, तो बड़ी से छोटी की है पूजा और ये बड़ी दीदी की। तो पूजा की तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि उसके बेबी था उनके पेट में, तो वो ख़राब हो गया है, 8 महीने का था, मतलब पूरा टाइम था, 1 महीने की टाइम कम थी, तो उसको देखने आए हैं हम, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो गाइस हमें यहाँ दूसरी जगह पे आए हैं, तो देखो आज मैंने मेकअप भी किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर आए हैं। तो गाइस अभी पूजा आई थी थोड़ी देर, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाती है और उसकी डिलीवरी गलत टाइम से ही हुई है, और ये हमारा आरव इतना मस्ती कर रहा है। गाइस हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, और आज मैं पूजा को यहाँ देखने आई हूँ, पूजा की तबीयत ख़राब है। पूजा है मेरी बड़ी बहन की बेटी, तो अभी वो हमारे यहाँ गई थी, जो हमारा गृह प्रवेश हुआ था उसमें गई थी, तो पता नहीं वहाँ तो ठीक थी लेकिन आने जाने में हम कम समझ पाते हैं उनकी बात। मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है क्योंकि मेरे पीठ में दर्द बना हुआ है, 8 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है मेरी रीढ़ की हड्डी में, तो उसकी वजह से मेरी आँखों में भी सूजन है। पूजा का घर बनाए खेत के खेत में बनाए, तो उनके बहुत सारे पेड़ हैं। हमने यहाँ पे नहाना धोना हो गया है हमारा, स्नान हो गए और अब हम जाने की तैयारी में, और हम सब लोग नहा लिए हैं, मैं रह गई थी पीछे, तो मैं भी नहा ली, खाना भी तैयार हो गया है, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। और मैं तौलिया ले गई, सुषमा चली गई है, उसका लड़का रो रहा था, तो अभी वो लेके आ रही है, मेरे बाल अभी गीले हैं। तो गाइस यहाँ पे सूख गए हमारे कपड़े, तो ये हमने यहाँ पे सुखा दिए कपड़े, तो तब तक ये सूख जाएंगे। तो गाइस ये हमारी ब्याण जी हैं, और बहुत सारा काम करती हैं हमारी ब्याण जी तो ये हमारी पूजा की सासू माँ हैं बड़ी। और देखो गाइस चूल्हे दिखाती हूँ मैं, तो हमारी ब्याण जी के यहाँ ऐसे चूल्हे, देखो डबल चूल्हा है इनके यहाँ पे, इन पे तो ये हमारे लिए चावल दावत बन रही है इनके। देखो हमारी ब्याण जी बहुत अच्छा ही भोजन बनाएंगी, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। ये हमारी पूजा की भुआ सासू माँ, और ये देवरानी है, इनके बाबू छोटे, और ये हमारी छोटी ब्याण जी हैं। कहाँ भर रही है यहाँ हमारे लिए, हाँ घिया के बीज, हाँ तो हम भी अपने यहाँ बोएंगे। अच्छा अच्छा बहुत आएंगे, बहुत अच्छा फल लगा है, देखो हमारे जीजी ने टोर लियो वो और बना के, सही कह रही, पक्का पक्का है ये, घिया नहीं बोलते इसको, घिया नहीं बोलते इसको, तो हमारे यहाँ तो चकती बोलते हैं। मन पसंद बोलते हैं। अच्छा इसको लौकी बोलते हैं, लम्बे वाले को, हाँ ये तो लौकी बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ मन पसंद, हमारे यहाँ चकती बोलते हैं उसको, चकती, हाँ हमारे यहाँ भी उसे घिया नहीं बोलते हैं, चकती बोलते हैं, मन पसंद बोलते हैं, हाँ मन याद है भाई। पूजा की भैंस बन रही है, सूध रही है यार यहाँ की भैंस, और देखो यहाँ पानी कुआन में तिले के नहीं, और जब मोटर में जा रहा है पाइप लाइन डर रही है, वो ना है ना पानी की कमी है, नीचे ज्यादा पहाड़ है। तो ये हमारी पूजा को घर है, और हम बाहर खड़े हैं, और देखो कुआ कितना चौड़ा है, मेरा मोबाइल नहीं गिर जाए, कितना पानी लगता है। अच्छा गांव तक, इसी से सिंचाई करते हैं ये, इसमें से ही जा रहा है पानी। कमेंट में बताना किस तरह की सुपाड़ी है ये, कई तरह की सुपाड़ी होती है, गेरादार से, और ये लग रही है समदन, समदन लड्डू बनाने की प्रक्रिया में, 100 साल जियो हमारी समदन जी है, तुम्हारी तो समदन भाई, मेरी तो तीनों मम्मी है, बोलते हैं समदन। और यहाँ जयपुर, हम जयपुर से ऊपर आए, चाकसू से भी ऊपर है, प्योर राजस्थान, हाँ ब्याण जी, ब्याई जी, ब्याण जी,
पहले नहीं जानते हम, पहले कहते पहले अचम्भ को रहे बयान जी करते थे। गाइस इतनी प्रॉब्लम है हमारे परिवार में, क्योंकि इतने साल हो गई कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। तो गाइस इनकी तो कूलर की जरूरत नहीं है, इतनी मस्त हवा चल रही है। क्योंकि पूजा का घर तो ये रहो, घर के पीछे बैठे हैं हम, नहीं पीछे के चारों तरफ हरियाली है आगे। हाँ। इन पूजा को घर है जो कि खेतों में बना हुआ है, गांव तो थोड़ी दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, इन्होंने खेत में बना लिया है। हमारी जीजी घूम रही है क्योंकि जीजी अभी लड्डू बनाने हैं पूजा को। तो देखो ये हमारे दामाद जी हैं, हमारी पूजा के देवर जी। तो ये पूछ रहे हैं आप कब आए, ये यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हो आप? हम जयपुर रहते हैं। अच्छा, ये जयपुर बी एड कर रहे हैं? नहीं कंप्लीट हो गए, बस अभी तक तैयारी कर रहे हैं टीचर। अच्छा तैयारी कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं आज जा क्यों रहे हैं, तो बुआ जी भी मना कर रही है पीछे जो बैठी है। तो आज आप कब आओगे हमारे यहाँ? बहुत जल्दी आएंगे, आप बुलाएंगे तभी आएंगे। तो हम कह रहे हैं आप रक्षाबंधन पे आना, सपना भी आएगी। ठीक आएगी पक्का। हाँ पक्का आना, क्योंकि उसे भी अच्छा लगेगा ना। हाँ अब पूजा कह रही है आप जाओगी तो मैं पैसे भी दूंगी। क्यों गुस्सा है? क्यों नहीं आप गुस्सा? क्योंकि आप रुक नहीं रहे, तो आपसे मिलने आए ना, आपकी तबीयत खराब आए नहीं रही। तो आपकी तबीयत खराब है तो हम आपसे मिलने तो आए ना। तो क्या हुआ फिर भी नहीं रुक रहे ना आप? तो देखो हमारी पूजा गई थी ना, तो आपने देखा होगा बेस पहना था इसने, अभी प्रोग्राम में जब बुआ पूजन हुआ था। बुआ जी चले चलो, कब आओगी हमारे यहाँ? कब आओगी? तो हमारी बुआ जी कह रही है बोर्डर ला नहीं काम करे, नहीं मतलब पैर काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रही है, नहीं आता। अब आप लोग तो समझ रहे होंगे, बहुत से तो यहाँ के तो समझ रहे होंगे। रक्षाबंधन पर मिलेंगे जरूर जरूर, अगला ब्लॉग मेरे साथ शूट होगा रक्षाबंधन का, रक्षाबंधन का ब्लॉग इनके साथ शूट होगा और सपना और सब आएंगे। तो ये दोनों सम दिन मिल रही हैं, ब्याण जी मिल रही हैं सम दिन, तो हमारे यहाँ के मम्मी काम कर रही हाँ। हमारी ब्याण जी बहुत मजाक है ना, करे रुको दिखाओ तो करनी चाहिए। तो मजाक और क्या, मजाक तो करनी चाहिए। हाँ मजाक तो करनी पचास की आवे जा रहा है। चाय जी चलो हाँ चल रही है, दवाई लेने कब जाओगे? अब पाँच सात दिन बाद। अच्छा तो कभी आना हमारी तरफ? अभी से लग गया ये दे। हाँ तो हम तो आ गए, आप भी आना। हाँ और ठीक से दवाई खाते रहना, अभी तो खानी पड़ेगी ना दवाई। खानी पड़ेगी तो रोटी चोटी चल रही है। हाँ रोटी है होगी
और सुषमा यहाँ पे उतर गई हैं। बाय, आ जाओ। तो ये उतर गई, यहाँ से जाएंगे ये नदवई, हम जाएंगे अब फतेहपुर सी।